चैप्टर 12 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज हम RSCIT के एग्जाम में आने वाले उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो चैप्टर 12 से आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके संयोजन से एक एक्सेल वर्कबुक बनता है। तो एक्सेल की वर्कबुक बनाने के लिए आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वर्कशीट होनी चाहिए और चार्ट्स होने चाहिए जिसके द्वारा आप एक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, वर्कशीट एंड चार्ट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नेम बॉक्स से क्या आश्रय है। पूर्व में रहित एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है कि पहले जहां पर आप रह चुके हो उस एक्टिव सेल की लोकेशन को दिखाएगा। नहीं, फॉर्मूला बार के बाएं ओर दिखता है। हाँ, फॉर्मूला बार के बाएं ओर दिखता है, ये एक सही बात है। स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, ये एक गलत बात है। मेन्यू बार के नीचे की ओर दिखाई देता है, नहीं, ये बात भी हमारी गलत बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करोगे। तो अगर हमें किसी एक सेल या फिर किसी एक प्लेस पर जो हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है उसको कॉपी कर अगर हम कहीं और जगह पर प्लेस करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल न हो सके, इसके लिए निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है। तो वो उपयोग में लिया जाता है वो है फ्रीज पेन कमांड, जिसके माध्यम से आप कुछ सिलेक्टेड सेल्स को फ्रीज कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो हम एक सिलेक्टेड चार्ट बनाने के लिए हम कौन सी चीज का यूज करते हैं, वो है F11 बटन। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है एक्सेल 2003, 2007 और 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सेल 2003 में जो फाइल का एक्सटेंशन था वो था XLS, उसके बाद में जो भी एक्सटेंशन रहे वो रहे XLSX। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, कि पहले साल 2003 में XLS था, उसके बाद में XLSX, XLXX। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। तो पेस्ट स्पेशल कमांड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल फॉर्मूले की बजाय एक फॉर्मूले का रिजल्ट के स्वरूप वैल्यूज द्वारा आप पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या चीज होती है। ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। एक्सेल फॉर्मूले की मूल प्रति मिटा देता है, कि एक्सेल डिलीट्स द ओरिजिनल फाइल्स ऑफ द फॉर्मूला, ये गलत है। एक्सेल क्या करता है, वो सेल के रेफरेंस में एडिट करता है और नई जगह पे फॉर्मूले को कॉपी कर देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर निम्न में से कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, लाइन चार्ट ओनली, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ ओनली, बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ ओनली। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि हम तीनों ही टाइप के चार्ट हम बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो है, एक सूत्र बनाने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, सेल वैल्यूज बट नॉट द सेल रेफरेंस, कि आप सेल की वैल्यूज यूज करोगे पर रेफरेंस यूज नहीं करोगे। नॉट सेल रेफरेंस बट सेल वैल्यूज, हम दोनों ही चीज का उपयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इन सेल वैल्यूज एंड रेफरेंस, हम दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
सीएनसी इंफोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।